माय डियर फ्रेंड्स, अपेक्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो अपन पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखा है, ठीक है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते अपन। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है अपना विज्ञान की प्रमुख शाखा है, ठीक है। पहली जो शाखा है अपनी हेलोग्राफी, लेज़र कोण से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। हेलोग्राफी में क्या किया जाता है, जो लेज़र कोण जो होती है ना, उससे 3D चित्र बनाने की एक वैज्ञानिक विधि, उसको बोलते हैं हेलोग्राफी। क्या बोलते हैं? हेलोग्राफी। नेक्स्ट जो ब्रांच है आपकी, नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं हार्टिकल्चर है ना। हार्टिकल्चर में क्या करते, फल पुष्प शाक सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हार्टिकल्चर में अपन फल फूल शाक सब्जी उगाने और बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन जो है हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है आपकी हेलियोलॉजी, जिसमें सूर्य का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सन, ठीक है, उसको बोलते हैं हेलियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है हेमेटोलॉजी, ठीक है, रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन, ठीक है, जिसमें अपना रक्त और उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। अगली जो ब्रांच है हिस्टोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्कों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और यही ब्रांच है, इसको हिस्टोलॉजी, इसका मीनिंग देखिए, शरीर के उत्तक एवं संबंधित विषय, ठीक है, शरीर के जो भी उत्तक होते हैं और उससे संबंधित जो भी हिस्से होते हैं उसका अध्ययन भी हिस्टोलॉजी में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट ब्रांच है हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन, ठीक है, जिसमें अपन निद्रा और उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं हिप्नोलॉजी। अगली ब्रांच देखते हैं हाइड्रोपैथी, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है, ठीक है, पानी से उत्पन्न जो भी रोग होते हैं उनकी चिकित्सा हाइड्रोपैथी में की जाती है, ठीक है। हाइड्रो मतलब जल और पैथी मतलब उनका उपचार करना। सीरोलॉजी, सोरोलॉजी, ठीक है, छिपकली को देने, स्टडी ऑफ लिजार्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं सोरोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है सेरिकल्चर, ठीक है, जिसमें अपन रेशम का उत्पादन का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। ये बहुत सी बार पूछा गया है तो आप इसको याद कर ले। सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जिसमें अपन भूकंप का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप का, ठीक है। तो ये भी बहुत IMP ब्रांच है। अगली जो ब्रांच है अपनी सिल्वीकल्चर, वन्य कृषि का अध्ययन, ठीक है, वन में जो कृषि की जाती है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट ब्रांच है साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन। साइटोजेनेटिक्स, देखो साइटोजेनेटिक्स में क्या होता है, जीव कोशिका उसकी अनुवांशिक विशेषता का अध्ययन, ठीक है, एक तो सेल और उसकी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स रहते हैं उनका अध्ययन करना साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोजेनेटिक्स। अगली जो ब्रांच है आपकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अध्ययन करना, ठीक है, जिसमें अपन मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ या साइकोलॉजी, ठीक है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती का अध्ययन, ठीक है, जिसमें अंगूर की खेती किस प्रकार से की जाती है उसका अध्ययन करना। लिथोलॉजी, चट्टानों पत्थर संबंधित विषयों का अध्ययन, ठीक है, लिथोलॉजी में क्या होता है, पत्थर और चट्टानों से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, देखो आण्विक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, ठीक है, जो आण्विक स्तर होता है उस पर अपन जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है आपकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन, जिसमें अपन पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मेरिकल्चर, जिसमें समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है, सॉरी समुद्री जीवों का उत्पादन, ठीक है, कल्चर मतलब उत्पादन होता है और मराइन मतलब समुद्री, ठीक है। मेमोलॉजी, स्तनी जंतु का अध्ययन, ठीक है, किसका अध्ययन? मेमोलॉजी में स्तनी जंतुओं का अध्ययन। मेमोग्राफी, स्त्री के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, ठीक है। मेमोग्राफी में क्या किया जाता है,
स्त्रियों के जो ब्रेस्ट होता है, सॉरी स्तन है ना, उनका जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। अगली जो ब्रांच अपनी मेटेरोलॉजी, वातावरण संबंधित विषयों का अध्ययन, ठीक है, जिसमें अपन वातावरण उससे संबंधित जो विषय होते हैं उनका अध्ययन मेटेरोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है मिनरोलॉजी, जिसमें अपन खनिजों का स्टडी ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स जो मतलब अपने को भूमि से प्राप्त होते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, जीव की भौतिक, जीव एवं भौतिक जगत की आकार की अध्ययन, ठीक है, जिसमें अपन किसी भी जीव के आकार का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। माइक्रोलॉजी फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन, ठीक है, माइक्रोलॉजी में जो फफूंद होते हैं उसका अध्ययन करते हैं उससे संबंधित। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अगली जो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जीव विज्ञान की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा, ठीक है, जीव शरीर की जो रासायनिक क्रिया होती है ना उनका अध्ययन संबंधी जो भी शाखा होती है उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि, ठीक है, जिसमें अपन फूलों की कृषि का अध्ययन करते हैं। फिजियोग्राफी, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन, ठीक है, फिजियोग्राफी मतलब प्राकृतिक भूगोल जो होता है नेचुरल जियोग्राफी उसका अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ शैवाल या फंजाई, ठीक है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, ठीक है, जिसमें अपन ये भी बहुत सी बार पूछा गया, ये भी बहुत सी बार पूछा गया, तो और ये भी बहुत सी बार पूछा गया, तो आप ये सब ब्रांचेस याद कर ले, नोट कर ले, ताकि आपको आगे आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट जो ब्रांच देखते हैं अपन पेलिंटोलॉजी, पेलिंटोलॉजी जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं जीवाश्मों का। पैरालॉजी, ठीक है, स्पंजों का अध्ययन, किसका अध्ययन स्पंजों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति के कारण उपचार अध्ययन आदि का अध्ययन, ठीक है, रोगों की प्रकृति क्या है उनके कारण क्या है उनका उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सोयल, ठीक है, जिसमें अपन सोयल का अध्ययन करते हैं। पेडोगोजी, अध्ययन कला का अध्ययन, ठीक है, जो इस अध्ययन की कला होती है उसका अध्ययन पेडोगोजी में किया जाता है। अगली जो ब्रांच है आपकी पीसी कल्चर, मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन, ठीक है, पीसी कल्चर में क्या किया जाता है, जो मछलियाँ होती हैं उनका व्यापारिक उत्पादन होता है उनका अध्ययन किया जाता है, सॉरी उत्पादन का अध्ययन किया, ठीक है, या पीसी कल्चरों को मत्स्य उत्पादन संबंधित। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका हो या नाड़ी का अध्ययन, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी, अंकों का अध्ययन, ठीक है, न्यूमेरोलॉजी में किसमें न्यूमेरिकल बोलते हैं ना अपन, तो इस चीज़ में अपन अंकों का अध्ययन करते हैं उसे न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। न्यूमेस्टिक, पुराने सिक्कों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूमेस्टिक। अगली जो ब्रांच है आपकी ट्राइबोलॉजी, घर्षण एंड स्नेह का अध्ययन, ठीक है, जिसमें अपन फ्रिक्शन और स्नेह का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। जेनेटिक्स, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित प्रक्रिया का अध्ययन, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं ना उनका वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो ट्रांसमिशन होता है उसकी प्रोसेस का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स में, किसके करते हैं, और जेनेटिक्स के जो पितामह है ना ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भी याद रखना। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर वस्तु के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन, ठीक है, क्रायोजेनिक्स मतलब निम्न ताप पर जो वस्तु के गुण और उनमें उनकी परिघटनाएं अन्य परिघटनाओं का अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अगली जो ब्रांच है आपकी कॉस्मोलॉजी, ठीक है, देखो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के जन्म विकास एवं विलोपन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी जो आपका ब्रह्मांड से संबंधित है जिसमें अपन विकास और विलोपन का अध्ययन करते हैं। केलोलॉजी, ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं, किसका मनुष्य के सौंदर्य। कीमोथेरेपी, रासायनिक युगों से कैंसर का उपचार किया, कीमोथेरेपी मतलब केमिकल के द्वारा जो है कैंसर का उपचार किया जाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना या रुधिर कार्यविधि का अध्ययन, ठीक है, कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है जिसमें अपन रचना और रुधिर की कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। अगली जो ब्रांच है आपकी ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निरोलॉजी है ना, इसमें अपन स्वप्नों का अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं स्वप्नों। ऑस्टियोलॉजी,
स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है, जिसमें अपन बोन या हड्डियों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ओलेरिकल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि, ठीक है, ओलेरिकल्चर में क्या कहते हैं, सब्जियों की व्यापारिक कृषि। ओलिवो कल्चर, जैतून की कृषि का अध्ययन, ठीक है, ओलिवो कल्चर है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं ओर्निथोलॉजी, पक्षियों से संबंधित अध्ययन, ठीक है, ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन, ठीक है, ओर्निथोलॉजी बहुत सी बार पूछा गया। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी जो दांत एवं मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, ये हड्डी का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स, ये आ गया है। नेक्स्ट जो ब्रांच देखते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, यह अंतरिक्ष यान से संबंधित है, ठीक है। एस्ट्रोनॉटिक्स क्या है, जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनसे संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। एंथोलॉजी, पुष्पों से संबंधित विज्ञान की शाखा है, ठीक है, एंथोलॉजी पुष्पों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपको अगर ये सब ब्रांचेस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद।